G20 को सफल बनाने में इन 3000 लोगों ने भी दिया योगदान। पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। हरित पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से किया इनकार। संयुक्त राष्ट्र महासभा में नेपाल के प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा देश में शांति स्थापना के लिए प्रतिबद्ध। भारत कनाडा के संबंधों में आई कड़वाहट के बीच एयरफेयर में हुआ 25% का इजाफा। राष्ट्रपति ने कहा यूपी की अर्थव्यवस्था देश में सबसे तेज, अब दुनिया में पहुंचेंगे हमारे उत्पाद। दिल्ली फैक्ट्री विस्फोट में मरने वालों की कुल संख्या 3 हुई, बचाव कार्य जारी। आज विक्रम और प्रज्ञान से संपर्क साधने की कोशिश करेगा इसरो, उपकरण फिर से करेंगे काम। रेलवे एक साथ पटरी पर उतारेगा 9 वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। दूसरे चुनाव के लिए वोटिंग जारी। मैदान में कुल 24 उम्मीदवार। मतदान केंद्र पर सुरक्षा का सख्त पहरा। आजम खान पर आईटी की छापेमारी के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का रामपुर दौरा आज। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।